वंदे मातरम, आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूँ संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं आगरा के फतेहाबाद। जी हाँ, वहाँ हमारे साथ खास विधायक हैं जितेंद्र वर्मा जी। बड़े तेज तरार विधायक हैं, लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं कोरोना को लेकर। आज जानते हैं कि कितना हुआ काम, कितना है बाकी। जी हाँ, जितेंद्र वर्मा जी लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी लोगों के बीच में रहे हैं, और वर्तमान में कोरोना की क्या स्थिति है, विकास के क्या कार्य वहाँ हुए हैं, और अभी भी जो उन्होंने वादे किए थे कितने बाकी हैं, उन्हीं से जानते हैं। जितेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नेटवर्क के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सभी को नमस्कार, प्रणाम। जी जितेंद्र जी, क्योंकि लगातार कोरोना की स्थिति रही है और दूसरी लहर ने सभी को हैरान किया और परेशान किया, हर कोई डरा हुआ था। ऐसे में अब वर्तमान में हम देखें तो आपके क्षेत्र में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, गैस हम कहेंगे जो ऑक्सीजन है उसकी क्या व्यवस्था है, उसके अलावा वेंटिलेटर की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ अभी जो दूसरी लहर आई थी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी कष्टदायी दुखदायी थी, जिससे तमाम लोगों ने अपने परिवार जनों को खोने का काम किया। और वहीं ऑक्सीजन की किल्लत भी रही, लेकिन सरकार ने बहुत जल्दी उसे पूर्ण करने का काम किया। और मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहूंगा, जी मेरे यहाँ ऑक्सीजन की पूरी पूर्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे यहाँ दो तीन ग्राम पंचायतें बिल्कुल 100% वैक्सीनेशन हो गई है, बाकी ज्यादातर ग्राम पंचायतों में किसी में 70%, किसी में 80% वैक्सीनेशन होने का काम प्रतिदिन चल रहा प्रदर्शन है। चल रहा है। जी अगर हम देखें, क्योंकि लगातार आपने अपने विधानसभा के अंदर लगातार आप सक्रिय रहे हैं, जो टेस्टिंग है जिसकी WHO भी आज उत्तर प्रदेश की तारीफ करता है, टेस्टिंग को लेकर वहाँ क्या स्थिति है? और जो मोबाइल जो वैन गठित की गई थी कि भाई ये घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी, उसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ अभी ग्राम पंचायत है जिनमें रसूलपुर 100% हो गई है, बिचोला 100% हो गई है, गढ़ी उदयराज 100% हो गई है, पलिया ग्राम पंचायत 100% हो गई है, और कोई भी ग्राम पंचायत 70% से नीचे नहीं है, उससे प्लस में चल रही है। अब जी जब 70% चल रही है तो कहीं ना कहीं जमीन पर काम होने का काम हो रहा है। जी अगर हम देखें जितेंद्र जी, वहाँ पर लगातार ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे आपने वादे किए थे वो कुछ अधूरे रह गए हैं, तो ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो वास्तव में होने थे नहीं हो पाए, कोरोना की वजह से नहीं हो पाए, और वो कौन से कार्य हैं जिन्हें लेकर जितेंद्र जी दोबारा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे? जी देखिए मेरे यहाँ मैं ये कहूँ PWD से माननीय अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने मेरे यहाँ इस भरी कोरोना की बीमारी में भी सैकड़ों सड़कों का मरम्मत और सैकड़ों सड़कें, मतलब लगभग 4 दर्जन सड़कें अभी नई मुझे देने का काम किया, जिनका कार्य प्रारंभ हो गया। जो कुछ सड़कें 70% हो गई हैं, कुछ 100% नव निर्माण हो चुका है। जी और वहीं जो पानी की समस्या थी मेरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र मेरा ऐसा है जहाँ खारी पानी लगता था राजस्थान के बॉर्डर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया था, उन्होंने वहां मुझे मीठे पानी के लिए 14 करोड़ 70 लाख रुपए स्वीकृत किया, उसमें पूरा काम चल रहा है अभी, जी उसमें जो नाली बिछाई जाती है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, उसका काम कार्य बिल्कुल चल रहा है अभी विधानसभा। और जी मेरे द्वारा, मेरी निधि के द्वारा लगभग 1000 लीटर की टंकियों का निर्माण हो चुका है। और वहीं जो हमारे यहाँ शिक्षा की होती है, एक इंटर कॉलेज पुल के 2 पुल बन चुके हैं, बिल्कुल लास्ट चरण पर उन पर काम चल रहा है। अग्निशमन बुझाने के लिए जो हमारा आगरा से जाता था देहात में, वो वहीं लास्ट में निर्माण चल रहा है। वहीं हमारे यहाँ एक माता सती बोली जाती है देहात क्षेत्र में, उसके लिए जो हमारा पर्यटन विभाग था उससे वहां निर्माण चल रहा है, और उसे लेकर क्षेत्र के लोगों में बहुत खुशी है। जी विधायक जी, फिर वो कौन से कार्य हैं जो अभी अधूरे पड़े हैं जिसे लेकर लोग कह रहे हैं कि वो कार्य पूरे होने चाहिए थे? देखिए कुछ कार्य, मैं ये मानता हूं कुछ कोरोना की वजह से कुछ कार्य लेट हुए हैं, जी लेकिन उन पर काम लग गया है, और निश्चित रूप से चुनाव से पहले वो कार्य जी माननीय बिल्कुल मुख्यमंत्री जी रात को जो लोग बीमार लोग थे, हेलो हेलो, आवाज आ रही है जी भैया? जी आ रही है। जितेंद्र जी बोलिए।
माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से हमने तमाम उन गरीबों को पैसे दिलवाने का काम किया है, जिन लोगों की अस्मक मृत्यु हो गई, जिन्हें कैंसर कैंसर की बीमारी है, मतलब मैं कहूंगा दर्जनों दर्जनों ने सैकड़ों लोगों को दिलवाने का काम मैंने यहाँ पे किया है। इस जी तरीके से कोरोना हमारे यहाँ जब चरम सीमा पे था, लोग घरों से निकले थे, मैंने स्वयं घर घर जाके लोगों को दवाई से लेकर भोजन कपड़ों की पूरी व्यवस्था कराने का काम मैंने स्वयं किया है, जो किसी से छुपा नहीं है। जी जितेंद्र जी, अगर देखा जाए बालिकाओं के लिए भी क्या किसी महाविद्यालय की या डिग्री कॉलेज की या कोई और भी व्यवस्था है, क्योंकि वहां लगातार मांग हो रही थी। जी मेरे यहाँ पॉलिटेक्निक है और राजकीय डिग्री कॉलेज है, वही मैंने बालिकाओं के लिए शहर से लग हमारे नगर से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया है, लास्ट में उसका रंगाई पुताई का काम कर जी नहीं, अभी डिग्री कॉलेज को लेकर भी आप कह रहे थे कि बालिकाओं के लिए डिग्री कॉलेज भी हम जल्दी लेके दिया। आएंगे। डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ है, जी बना हुआ है पहले से ही। जी हमारे यहाँ जो किसान सम्मान निधि योजना है, उसके अंतर्गत तमाम हमारे किसान ऐसे जो जिन्होंने कभी सरकारी योजना के नाम पर कोई लाभ नहीं लिया था, उन लोगों को भी किसान सम्मान निधि से लाभ होने का काम हुआ है। तमाम जी जितेंद्र जी, जो हमारे जी जी बोलिए, आप बोलिए। जो जी जो गरीब लोग हमारे बच्चियों की शादी नहीं कर पाते थे, कहीं ना कहीं परेशानी में शादी करते थे, वो मुख्यमंत्री जो जो शादी योजना चली है उसके अंतर्गत तमाम हजार लड़कियों की शादियां होने का काम हुआ है, जिसमें हम लोग स्वयं गए, माननीय मुख्यमंत्री केशव तो हमारे दिनेश शर्मा जी भी उसमें उपस्थित रहे थे। तमाम ऐसी योजना है जो गरीबों के दिल को छूने का काम किया है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम फ्री शुरू कराया है, गरीब लोगों को गल्ला बंटवाने का काम शुरू कराया है, ये तमाम ऐसे ऐतिहासिक फैसले हैं जो पूर्व में कभी किसी सरकार ने नहीं करने का काम। जी जितेंद्र वर्मा जी, अपने लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, कोरोना जैसी जैसे तीसरी लहर की बात हो रही है उससे लेकर हो, क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप? देखिए मैं आपके नेटवर्क 10 की माध्यम से सभी लोगों से यही अपील करना चाहूंगा, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को सुरक्षित कराएं, वैक्सीनेशन करवाएं, स्वयं करें और दूसरों को भी करवाएं, और जब तक पूर्ण से वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तब तक कोई ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का मंत्र मानते हुए आगे की जिंदगी जीने का काम करें। यही मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि वो लोग सभी जितने भी समझदार लोग हैं वो सभी लोग अपने लोगों को जागरूक करने का काम। जितेंद्र जी, एक अपील और कर दीजिए, जो रुके हुए कार्य हैं, जो लोगों को लगता है कि वो नहीं हो पाए, उसके लिए भी आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए कोरोना की वैश्विक महामारी थी, निश्चित रूप से उसमें कामों में रुकावट आई, लेकिन अब पुनः पूरे काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर चालू हो गए हैं, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो जल की दृष्टि से हो, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे वो आवागमन की दृष्टि से, और सभी काम युद्ध स्तर पर पुनः सरकार ने चालू करने का काम किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई भी देना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने कोरोना बीमारी को बड़े उससे युद्ध स्तर पर काम कराने का काम किया है, लोगों को वैक्सीनेशन, लोगों की जिंदगी जीने का सबसे जो तरीका होना चाहिए उसे लागू कराने का काम किया है। चलिए जितेंद्र वर्मा जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको, तो ये थे नमस्कार। हमारे साथ विधायक जितेंद्र वर्मा जी, बीजेपी के विधायक हैं फतेहाबाद से आगरा। वो भी लगातार बता रहे हैं कि क्षेत्र में कोरोना को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आई, लेकिन अब स्थिति सामान्य है और जो रुके हुए कार्य थे वो भी लगभग चालू हो चुके हैं। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।